सरकार की ओर से सरकारी विभागों में फैला भ्रष्टाचार मिटाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आज भी सरकारी विभागों का भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जिसमें मेरठ तहसील की बात करें तो आज भी वहां दलालों का राज है, जबकि 2014 में सभी कार्य ऑनलाइन कर दिए गए थे, लेकिन आज भी दलालों के माध्यम से ही प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे हैं। शासन की तरफ से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लाख दावे किए जाते हों, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। सभी सरकारी कार्यालयों में आम जनमानस का काम बिना दलालों के कराना संभव नहीं है, जिसका उदाहरण तहसील में देखने को मिल रहा है। आम जन अगर अपने दस्तावेज बनवाने के लिए अप्लाई करें तो महीनों तक सिर्फ इंतजार ही करना पड़ता है। वहीं दलालों के माध्यम से काम कराने में सिर्फ 8 दिनों में ही दस्तावेज मिल जाते हैं। दरअसल CCU व उससे संबंधित कॉलेजों में प्रवेश के लिए छात्रों को अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए छात्रों की भीड़ लगी रहती है। आमतौर पर सरकार द्वारा इसके लिए जन सुविधा केंद्रों की व्यवस्था की गई है, लेकिन जन सुविधा केंद्रों पर ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के बावजूद हाथ लगता है तो सिर्फ लंबा इंतजार। आखिरकार प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील में ही चक्कर काटने पड़ते हैं, वहां पर भी दलालों द्वारा ही काम हो पाता है। तहसील में इन दिनों दलालों का बोलबाला है, जिसका खुलासा जनवाड़ी टीम ने एक स्टिंग के जरिए कर दिया था। बता दें कि दैनिक जनवाड़ी की टीम बतौर आमजन तहसील परिसर में प्रमाण पत्र बनवाने पहुंची, जहां पर तहसील कर्मचारियों से प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया के लिए पूछा गया तो उन्होंने समय 15 से 20 दिन का बताया। मैं कैमरामैन शिवम के साथ नेहा त्यागी, जनवाड़ी न्यूज़।